गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डू कंटिन्यू एक्सरसाइज 15.1। लेट्स स्टार्ट। इन द लास्ट क्लास वी हैव टू डन क्वेश्चन 1 to 4। नाउ क्वेश्चन फाइव। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड अ नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलेक्ट कर रहा है 2400 फैमिलीज को रैंडमली और सर्वे कर रहा है और क्या डेटा ऑब्जर्व कर रहा है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा है किसके बीच में, इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। जो डेटा जो मिल रहे हैं अपने को मंथली इनकम रुपीज में और व्हीकल्स पर फैमिली तो मंथली इनकम लेस देन 7000 ऐसी फैमिली जिनकी जो मंथली जो इनकम है वो क्या हो, लेस देन 7000 रुपीज। तो उन फैमिली में, वो फैमिली जिनमें जो एक भी व्हीकल नहीं है, फैमिली जिनकी लेस इनकम तो क्या है, लेस देन 7000 है, तो ऐसी फैमिलीज कितनी है जिसमें एक भी व्हीकल नहीं है, वो गिवन आपको 10 और वन व्हीकल वाली फैमिली है 160, टू व्हीकल वाली 25 एंड अबाउ टू, और टू से ज़्यादा वाली 0 फैमिलीज हैं। फिर इनकम जो लेवल है वो 7000 to 10000। कोई फैमिली जिनकी जो इनकम है मंथली इनकम वो क्या 7000 से 10000 के बीच में है। अब जो व्हीकल्स हैं पर फैमिली, मतलब 0 व्हीकल्स वाली फैमिली कितनी है, 0, 1 वाली 305, 2 व्हीकल 27 और 2 से अबो 2 फैमिलीज है। सर जानवी मैसेज कर रही है आप उसको जवाब कर दो। 1000 10000 13000 10000 से 13000 जिनकी इनकम है वो फैमिली, इसमें एक भी व्हीकल नहीं है, कितनी फैमिलीज है, 1 फैमिलीज, 1 व्हीकल, 535 फैमिलीज हैं जिनमें व्हीकल क्या है, 1 व्हीकल है, और 2 व्हीकल्स के लिए 29 फैमिलीज, और जिसमें मोर देन 2, अबाउट 2 के लिए 1 फैमिलीज है, और इनकम 13000 to 16000 जिनके वो फैमिली जिनकी इनकम क्या हो 13000 से 16000 के बीच में हो, तो ऐसी फैमिलीज जिनमें एक भी व्हीकल नहीं हो, भाई इनकम तो इसलिए इनके बीच में है बट ऐसी फैमिली जिनमें एक भी व्हीकल नहीं है वो कितनी फैमिलीज है, 2, 1 व्हीकल वाली 469, जिसमें 2 व्हीकल हो 59 और मोर देन 2 25। अब इनकम है वो क्या हो 16000 से अबो 16000 और मोर, या तो 16000 या 16000 से क्या हो ग्रेटर हो, जिसमें व्हीकल एक भी व्हीकल ना हो, कितनी फैमिली है, 1 फैमिली है, जिसमें 2 व्हीकल हो, सॉरी 1 व्हीकल हो 579, जिसमें 2 व्हीकल्स हो 82 और जिसमें मोर देन 88। तो ये डेटा अपने को गिवन है इसमें।
ऑर्गेनाइजेशन है तो 24 फैमिलीज को रैंडमली सेलेक्ट कर रहा है। जो टोटल जो फैमिलीज है कितनी है, 2400 फैमिलीज है। टोटल जो फैमिलीज है कितनी है, 2400 फैमिलीज। टोटल फैमिलीज फैमिलीज कितनी है, 2400। अब इसमें क्या फाइंड करना है अपने को, सुपोज ए फैमिली इज चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज फर्स्ट पार्ट। इसमें से क्या करना है अपने को, रैंडमली एक फैमिली चूज करनी है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जिसकी अर्निंग तो क्या हो, 10,000 से 13,000 पर मंथ और ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। ऐसी फैमिली जो आपने फैमिली सेलेक्ट की है उसकी जो मंथली जो इनकम है वो तो क्या होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 के बीच में हो और ऑनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। फैमिली तो जो फैमिली आप जिसकी जिस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी जो मंथली इनकम तो क्या होनी चाहिए, 10,000 से 13,000 के बीच में होनी चाहिए और जो व्हीकल है वो क्या होनी चाहिए, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स के लिए फैमिली देखो कितनी फैमिलीज हैं, 29 ऐसी फैमिलीज जिनकी जो मंथली इनकम हो वो तो क्या हो, 10,000 से 13,000 के बीच में हो और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो कितनी फैमिलीज हैं, 29 फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी जो मंथली इनकम तो क्या है, 10,000 से 13,000 के बीच में है और वो फैमिली जिनमें क्या हो, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, एग्जैक्टली क्या हो, 2 व्हीकल्स हो। तो कितनी फैमिलीज है, 29 फैमिलीज है, 29। तो इस फैमिली के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 29 अपॉन 2400। भाई टोटल फैमिलीज कितनी है, 2400 है, उसमें से वो फैमिली जिनकी मंथली इनकम तो क्या हो, 10,000 से 13,000 के बीच में और जिसमें एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हो, तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 29। तो इस फैमिली के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 29 अपॉन 2400। तो फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी of a family, probability of a family chosen having income 10,000 to 13,000 per month, having income 10,000 to 13,000 per month, having income 10,000 to 13,000 per month and owning exactly two vehicles. तो ऐसी फैमिलीज कितनी है, 29 फैमिलीज है जिनकी मंथली इनकम तो क्या हो, 10,000 से 13,000 के बीच में है और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं। तो 29 फैमिलीज हैं, तो 29 क्या हो जाए, फेवरेबल आउटकम्स। डिवाइड टोटल फैमिलीज कितनी है, 2400। तो ये क्या हो जाएगी इस इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नाउ सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में कि जो फैमिली चूज कर रहे हैं अपने, जो फैमिली चूज कर रहे हैं तो उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी मंथली इनकम तो क्या हो, 16,000 से क्या हो, ज्यादा हो पर मंथ एंड ऑनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल्स। ऐसी फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो आपने सेलेक्ट की है, उसकी मंथली इनकम तो क्या होनी चाहिए, 16,000 से या तो 16,000 हो या 16,000 से ग्रेटर हो और एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1/2400। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 व्हीकल्स होना चाहिए। ऐसी फैमिलीज कितनी है जिसमें मंथली इनकम तो क्या है, 16,000 और मोर देन 16,000 है और एग्जैक्टली क्या हो, 1 व्हीकल्स हो। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 579। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 579 डिवाइड 2400।
तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चोजन हैविंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चोजन हैविंग इनकम 16,000 और मोर देन 16,000 एंड एग्जैक्टली वन व्हीकल्स। तो ऐसे कितनी फैमिलीज है, 579 तो 579 ये तो क्या हो जाएंगे इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम, और डिवाइड तो टोटल आउटकम कितनी होंगी 2400। तो ये क्या हो जाएगी इसके लिए प्रोबेबिलिटी। नाउ थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है अपने को, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग लेस देन 7000। अर्निंग तो क्या होनी चाहिए उस फैमिली की, 7000 से लेस होनी चाहिए पर मंथ, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल्स नहीं हो उस फैमिली में, एक भी व्हीकल्स नहीं हो उस फैमिली की, क्या फाइंड करनी है अपने को प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे इनकम तो क्या होनी चाहिए, 7000 से लेस होनी चाहिए, तो 7000 से लेस इनकम, 7000 से लेस ये हो गए। अब क्या बोला इसने, व्हीकल एक भी व्हीकल ना हो एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल्स, तो एक भी व्हीकल्स ना हो कितनी फैमिलीज हैं, 10 फैमिलीज हैं भाई, ऐसी फैमिलीज जिसकी जो मंथली इनकम है वो तो क्या हो 7000 से कम हो और जिसमें एक भी व्हीकल ना हो, इसमें एक भी व्हीकल्स ना हो, तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 10 फैमिलीज है। तो इसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी 10 अपॉन 2400। तो थर्ड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली फैमिली चोजन हैविंग इनकम लेस देन 7000। इनकम तो क्या होनी चाहिए, 7000 से लेस होनी चाहिए, हैविंग इनकम लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट हैविंग एनी व्हीकल्स। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है, 10 फैमिलीज है जिनकी मंथली इनकम तो क्या है, लेस देन 7000 है और एक भी व्हीकल्स नहीं है। तो कितनी फैमिलीज है, 10 फैमिलीज है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 10 और टोटल आउटकम 2400। तो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 240। टेन से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 240। तो इसके लिए क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, क्या हो जाएगी 1 अपॉन 240। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। जो फैमिली जो चूज कर रहे हैं उसकी तो अर्निंग तो क्या होनी चाहिए, 13,000 से 16,000 बीच में होनी चाहिए अर्निंग, तो क्या होनी चाहिए 13,000 से 16,000 के बीच में, और जो व्हीकल्स है वो क्या होने चाहिए, मोर देन टू व्हीकल्स। तो यहाँ पे देखो फैमिली जिसकी इनकम तो क्या हो 13,000 से 16,000 के बीच में हो और व्हीकल्स क्या हो मोर देन टू, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, 25। ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम जो मंथली इनकम है वो तो क्या हो 13,000 से 16,000 के बीच में हो और व्हीकल्स क्या हो मोर देन टू या अबाउट टू, तो कितनी फैमिलीज हो जाएगी 25। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 25 अपॉन 2400।
The fourth part, probability of a family chosen, of a family chosen having income 13,000 to 16,000 per month, and having more than two vehicles. तो ऐसे कितनी फैमिलीज है? 25 फैमिलीज है. कितनी फैमिलीज है जिनकी इनकम तो क्या हो? 13,000 से 60,000 पर मंथ हो और मोर देन टू व्हीकल्स. तो 25 फैमिलीज हैं. तो इसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्या 25 अपॉन 2400. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? 1/96 आ जाएगा सर. कैंसिल आउट करना तो कर सकते हो. ये 5 से कैंसिल आउट कर लो. 5 टाइम कैंसिल आउट होगा. उसके बाद 4 टाइम्स भी 24 डिवाइड करो 5 से. कितना 4 टाइम्स कितना? 4 4 0 40. तो 5 8 जा 40. अगेन इसको डिवाइड कर सकते हैं 5 से. तो कितना हो जाएगा? 1 भी 5 को डिवाइड करो 5 से. तो 1 भी 48 में डिवाइड करेंगे 5 से 9 टाइम्स. 3 तो 3 0 30. तो 1 अपॉन 96. इसमें प्रॉब्लम है किसी को? एनी प्रॉब्लम? भी फोर्थ पार्ट में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. अब इसमें क्या है? इनकम लेवल नहीं बता रखा इसने. इसका मतलब सभी ऐसी फैमिलीज अपने को लेनी है जिसमें इनकम लेवल तो सब में देखना है अपने को, जिसमें लेस देन 7,000 से लेके 16,000 मोर हो. बट अपने को उसने क्या बोला है कि ऑनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. भाई एक से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होना चाहिए भाई. वो फैमिलीज जिसमें इनकम तो सब लेना है अपने को, लेस देन 7,000 से लेके 16,000 और 16,000 से ज़्यादा वाली फैमिलीज. बट आपके पास इसने रेस्ट्रिक्शन क्या दे दिया कि आपके पास व्हीकल वन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इसमें देखो कौन कौन से फैमिली देंगे. एक तो वो वाली फैमिली आ जाएगी जिसमें मंथली इनकम क्या हो 7,000 से कम हो. अब वन से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए. इसका मतलब या तो जीरो व्हीकल्स हो सकता है. ऐसी फैमिली जिसमें व्हीकल्स क्या हो? जीरो और वन तक हो. फिर वन भाई वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए. भाई वो फैमिलीज लेनी है जिसमें व्हीकल्स क्या हो? वन से ज्यादा नहीं होने चाहिए. मतलब जीरो हो सकता है या तो एक भी व्हीकल्स ना हो. ऐसी फैमिलीज जिसमें एक भी व्हीकल ना हो, या वो वाली फैमिलीज जिसमें वन व्हीकल्स हो. बट अपने वन से ज्यादा नहीं लेना है. तो इनको क्या करेंगे? सब फैमिलीज को ऐड कर देंगे. जिसे एक भी व्हीकल्स नहीं है वो फैमिली को ऐड कर लो. कितनी हो जाएगी? 10 14 हो जाएगी. और इनको भी ऐड कर लो तो टोटल फैमिली कितनी हो जाएगी इसमें? 12 families having vehicle 0 or 1. ऐसी families जिसमें vehicle क्या हो? या तो 0 और क्या हो? 1 हो. तो ऐसी families कितनी होगी? Total add कर लो. देखो यहाँ पे एक भी व्हीकल्स ना हो कितनी फैमिलीज हैं? 10 0 1 2 1 10 0 1 2 1 10 0
वन टू वन, ये तो वो फैमिली मिल गई अपने को जिसमें एक भी व्हीकल्स नहीं है। अब ऐसी फैमिली जिसमें क्या हो, वन व्हीकल्स हो, वन व्हीकल हो, तो उनको भी क्या कर लो, ऐड कर लो। तो कितनी फैमिलीज हैं, 169 or 579 इनको ऐड करेंगे तो कौन सी फैमिली ज्यादा आएगी जिसमें या तो एक भी व्हीकल्स नहीं है या वन व्हीकल्स है, मतलब ऐसी फैमिली जिसमें एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है। इन सबको ऐड कर लो, क्या होगी वैल्यू, करो एडिशन। क्या आएगी वैल्यू, 10, 11, 13, 14 प्लस 160, 305, 535, 479, 469, 579 तो ऐड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 19, 28, 8, 2, 6, 3, 9, 6, 15, 22, 24, 2 again remaining, 1, 3, 4, 4, 5, 9, 13, 18, 2, 0, 4, 8 अगेन ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 2062। तो ऐसी फैमिली कितनी हो गई जिसमें व्हीकल क्या हो, मोर देन वन ना हो, मतलब ये तो जीरो हो या वन तक हो, तो कितनी फैमिली जो कितनी फैमिली जो हो जाएगी, 2062। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन हैविंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जैसे कितनी फैमिलीज हैं, 2062, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 2062 upon 2400। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।